और अपनी स्प्लेंडर रखी वहाँ पे लेके चल पास। और इसके अलावा रेपटेशन 12 से 15 आओ वाली, बीच में थोड़ा पानी ले रहे हैं। तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों? तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे और रामप्यारी का चारा लेने, काट के लाऊंगा। और 2-3 स्टेप पहन लिए मैंने, एक के ऊपर एक, क्योंकि अंदर की गंदी नहीं होगी। चारा काट के लाने में बहुत ज्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर से धोना, फिर से बहुत सारे काम फैल जाते हैं। और गाइस पापा गए हैं मार्केट भुट्टे लेके बेचने के लिए। एक तो भुट्टे 11 बजे के पहले बिक जाते हैं, 2 बजे के बाद, दोपहर में भुट्टे नहीं बिकते, सुबह शाम बिकते हैं। तो इसीलिए पापा आज सुबह लेके गए हैं और उनके बदले काम मुझे करना पड़ेगा खेत पे। और अपनी स्प्लेंडर को लेके जा रहा हूँ, उस पर रख के लाऊंगा चारा। तो दोस्तों अभी खेत पे पहुंच गया हूँ मैं और अपनी मक्का में से चारा कट रहा है आज फिर से। और मक्का भी काट लिए कुछ, जिनमें से भुट्टे तोड़ लिए वो मक्का, और इनकी कुट्टी करके रामप्यारी खिलाएंगे। और मैं भी जा रहा हूँ अंदर मक्का में, ककड़ी तोड़ के खाएंगे। तो गाइस मक्का में अंदर घुस चुका हूँ मैं और चारा भी काट रहे हैं मक्का में जो अंदर चारा है। और इधर से मक्का भी काट लिए जहाँ से भुट्टे तोड़ लिए हमने जिन मक्का में से, और ये कट चुकी इसकी कुट्टी होगी। और इधर चारा कट ही रहा है, अभी थोड़ा और कट जाएगा, इकट्ठा करके घर पे लेके चलेंगे 2 रस्सी में बांध के। और ककड़ी भी लग रही है, अभी मुझे मिली नहीं, सुबह तोड़ ली थी हमने इसीलिए। तो दोस्तों मक्का और चारा काट लिया है हमने और एक रस्सी में बांध लिया, इसे लेके चलते हैं अपनी स्प्लेंडर रखी वहां पे। तो दोस्तों लेके चल रहे हैं अपन सर पे इसे और अपनी स्प्लेंडर रखी वहां पे लेके चल रहे हैं, 2 रस्सी में बांध के लेके चलेंगे। इसके अलावा और भी चारा है। तो गाइस चारा आ चुका है अपना स्प्लेंडर के पास और इसके अलावा और भी चारा पड़ा है, 2 रस्सी में बांध के लेके चलेंगे इसे घर पे। इन दोनों को 1 रस्सी में बांध के लेके चलेंगे, इन दोनों को 2 रस्सी में लेके चलेंगे, एक में भी नहीं। तो गाइस अभी अपनी टपरिया में आके बैठ गया हूँ मैं, अभी और चारा काटने गए हैं, थोड़ा सा कम रह गया, शाम तक नहीं हो पाएगा रामप्यारी के लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा काटने गए हैं, एक ही बार में लेके चला जाऊंगा मैं घर पे। और गाइस ये वाला चारा है जो अभी काट के लाए, सर पे रख के लेके चलेंगे घर पे। और स्प्लेंडर से 2 जगह का चारा है, मक्का और चारा मिक्स है, इनको लेके चलेंगे 2 रस्सी में बांध के, इसमें ज्यादा वजन है। तो गाइस अभी 2 रस्सी से बांध लेते हैं अच्छे से, इसे गिरे ना ऐसा। तो गाइस अभी 2 रस्सी में बांध लिया अपना पूरा चारा, इसमें चारा भी मिक्स है और मक्का भी है। और इसको अपनी स्प्लेंडर पर रख के लेके चलेंगे अब घर पे। भी अपनी स्प्लेंडर पर जमा लिया, बहुत ही ज्यादा वजन है, पूरा नाखून उबड़ गया मेरा, नाखून अलग हो गया रखने में, इतने ज्यादा वजन है इसमें, लेके चलते हैं घर पे। तो गाइस अभी घर पे आ गया हूँ मैं और एक समस्या हो गई, जो चारा खेते से लेकर आए थे बहुत ज्यादा हैवी था और साइज में बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे बीच में आके अड़ गया। इधर खंबा था और इधर ट्रैक्टर रखा हुआ था और बीच में अड़ गया। अब थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे और कुट्टी मशीन के पास रख। तो गाइस अभी 12:30 बज चुकी, भूख बहुत तेज लगने लग गई, सुबह दूध नहीं पिया था इसलिए भूख लग रही। और अब खाना खाने के बाद पियेंगे दूध अपन, और चारे से फ्री हो चुके, कुट्टी करना और बाकी है बस। लाइट थोड़ी डिम है इसलिए कुट्टी नहीं करी, लाइट तेज आएगी तब करेंगे। तो गाइस आज बनी है मूंग की सब्जी और रोटी है, और खाना खा के मिलते हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद अभी मैं भुट्टा सेक रहा हूँ अपने हीटर पर, और खाना खाने के बाद भुट्टा खाएंगे आज फिर से और छाछ भी पियेंगे। तो गाइस अभी अपना भुट्टा सिक चुका है, अब जल्दी से खा लेते हैं, इसके साथ थोड़ी सी छाछ पियेंगे। और पुरुषोत्तम भाई का बार बार कॉल आ रहा है, बोल रहा है फोन लेना है मुझे नया, और फोन सजेस्ट कर कोई सा, तो उसके पास जा रहा हूँ मैं उसे फोन सजेस्ट करने कौन सा लेना है। तो गाइस अभी पुरुषोत्तम भाई घर पे आ गया हूँ मैं, अंदर ही बैठा हुआ, चलते हैं। तो गाइस अभी पुरुषोत्तम भाई के पास आ गया हूँ मैं, और डाइट में ये ले रहा है चावल राइस और बघार लिए, इसने मिर्ची डाल के खा रहा है, मैंने मना करा है मिर्ची नहीं खाना चाहिए, जब भी खा रहा है। क्यों सर काम पे क्यों जा रहे हो आप कुछ दिनों से? काम करने की जरूरत नहीं है, वीडियो करने लग गया भाई, बहुत पैसा है इसके पास, काम करने की जरूरत नहीं है इसे। और अभी यहीं पे बैठेंगे थोड़ी बहुत देर, फोन के बारे में डिस्कस करेंगे कौन सा फोन लेना है, उसके बाद आपको बताएंगे। गाइस अभी बज चुकी 3:30 और घर पे जा रहा हूँ मैं, और थक गए बिल्कुल, काफी देर के यहीं पे बैठे हुए हम 1.5 घंटे के, और फोन डिसाइड नहीं हुआ कुछ भी,
इसका कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी बोल देता है फोन लेना है फोन लेना है। फिर पूछता हूँ कौन सा फोन लेगा, बताता ही नहीं है, मेरे से पूछता है और मैं थोड़ा महंगा फोन दिखा देता हूँ, ये बोलता है कि महंगा फोन नहीं लेना है, और महंगा फोन नहीं लेगा फिर वीडियो नहीं अच्छी आएगी, सस्ते फोन में वीडियो अच्छी नहीं बनती है, कम से कम 20-25 हज़ार का फोन तो हो तब जाकर अच्छी वीडियो बनती है, इसको वीडियो बनानी है कंटिन्यू अब डेली, तो इसीलिए इसको अच्छा फोन रिपेयर करेंगे अपन। और अभी घर पे जा रहा हूँ मैं, कुछ खा के आऊंगा फिर अपन जिम चलेंगे। ठीक है सर, जा रहा हूँ मैं। ये हवा करने का क्या सिस्टम है? देसी पंखा। ठीक है आप हवा करो, लाइट नहीं है आज। आपका पंखा बंद हो गया, अभी देसी पंखा स्टार्ट हो गया, और चलता हूँ मैं अब, है ना। आप मोबाइल देखिए अच्छे से। और गाइस अभी 4:30 बज रही, घर पे आ गया था मैं आधे घंटे पहले, थोड़ी देर आराम करा और थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, ऐसा पता नहीं क्या हुआ है एकदम से। अब चलते अपन सीधा मार्केट, जिम चलना है। तो गाइस अभी पुरुषोत्तम भाई को लेने आ गया था, अब जा रहे हैं हम सीधा जिम। क्या लगाना है सर आज बताओ? तो गाइस आज शोल्डर लगाना है, और ग्राउंड भी जा रहे, लेट हो गए और तबीयत भी डाउन लग रही है इसीलिए। और आपने कुछ खाया अभी? तो जिम के बाद खाएंगे कुछ, या पनीर खाएंगे या फिर ये अंडे खाएगा, मैं पनीर खाऊंगा। गाइस अभी जिम में पहुंच गए हम, और जिम में तो सिस्टम चल रहा है गाने, अब चलते हैं अपन वार्म अप करने। तो गाइस जिम में पहुंच गए हम, और वार्म अप स्टार्ट हो गया हमारा। लास्ट वार्म अप सेट है ये हमारा, इसके बाद मेन सेट पे आएंगे। तो गाइस शोल्डर की पहली एक्सरसाइज पर आ गए हम, और इस एक्सरसाइज के 4 सेट लेंगे, 8-10 रेपिटेशन होगी। तो गाइस शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज पर आ गए हम, और इस एक्सरसाइज के 4 सेट लेंगे, और मिनिमम रेपिटेशन 8-10 होगी। तो गाइस शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज पर आ गए हम, और इस एक्सरसाइज के 4 सेट लेंगे, मिनिमम रेपिटेशन 10-12 होगी। तो गाइस शोल्डर की चौथी एक्सरसाइज पर आ गए हम, और इस एक्सरसाइज के 4 सेट लेंगे, मिनिमम रेपिटेशन 10-12 होगी। चलने दो सर, हिलो मत ज्यादा। तो बीच बीच में थोड़ा पानी ले रहे हैं। तो गाइस शोल्डर की 5वीं एक्सरसाइज पर आ गए हम, और इस एक्सरसाइज के 4 सेट लेंगे, मिनिमम रेपिटेशन 12-15 होगी। चलने दो बाहुबली, ज़्यादा आगे मत ले जा। तो गाइस शोल्डर का हो गया वर्कआउट कंप्लीट, और अब कोलर की लगा रहे हैं, कोलर का पहला सेट है, और इसके 4 सेट लेंगे, और 15-20 रेपिटेशन होगी। तो गाइस पुरुषोत्तम भाई आज आर्म रेसलिंग कर रहा है, और अपना एक भाई है उसके साथ, सोनी जी। क्या कर रहा है, हार गया? तो गाइस पुरुषोत्तम भाई का दूसरा सेट है ये वाला, अब इसमें देखते हैं कौन जीतता है। 1, 2, 3 गो। ओ क्या कर रहा है रे, हार गया पुरुषोत्तम। यस विन। तो गाइस अभी वर्कआउट कंप्लीट हो चुका अपना, और शोल्डर लगाया आज अपन ने, और थोड़ा सा दर्द हो रहा है शोल्डर में, और एक घुटने में कल से हो रहा, पता नहीं क्या हुआ अपने आप ही। और अब चलते हैं, पुरुषोत्तम भाई गया अंडे खाने, और मैंने पनीर खा लिया था दिन से पहले ही, भूख लग रही थी इसलिए। अब चलते हैं सीधा घर पे। अच्छा चिल्ला क्यों रही, नहीं पता तू? तो गाइस अभी रात की 12:30 बज चुकी, और सभी लोग सो चुके हैं, और मैं आया हूँ बाहर वीडियो बनाने के लिए, और घर पर आया सीधा जिम से, और बहुत सारा काम करा मैंने, वीडियो एडिटिंग करी, थंबनेल बनाया, इसकल और रामप्यारी को चारा मिला, बहुत सारा काम था, दूध देने गया। और गाइस अभी थक चुके हैं, सोएंगे अब जल्दी से, सुबह जल्दी उठना है, सोच रहा हूँ सुबह जल्दी से जिम जाना लग जाऊँ, सुबह सुबह शाम को नहीं जा पाता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दिया, नए चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मिलते कल नहीं वीडियो, बाय बाय।